हाय गाइस, दिस इज विशाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ 7 अमेजिंग क्रिकेट रूल के बारे में। कुछ रूल कॉमन है, कुछ कंट्रोवर्शियल है और कुछ इंटरेस्टिंग भी है। तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा रूल अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। मैन कटिंग रूल, ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रूल है क्रिकेट वर्ल्ड में। इस रूल का नाम एक इंडियन क्रिकेटर के नाम पर पड़ा, जिनका पूरा नाम मूलवंत राय हिम्मतलाल मनकट था। उन्हें लोग विनो मनकट भी कहते थे। ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर थे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट में। ये रूल कहता है, बॉलिंग करते टाइम अगर कोई नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन अपने क्रीज से बाहर निकल जाए तो बॉलर रुक के नॉन स्ट्राइकर एंड के बेल को हिट कर सकता है और वो प्लेयर आउट हो जाएगा। इसको टेक्निकली रन आउट कहा जाता है। मनकट से आउट होने वाले पहले बैट्समैन हैं बिल ब्राउन। नेसेसरी अपील रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग चाहे क्यों ना बैट्समैन क्लियर आउट हो, अगर बॉलर अंपायर की तरफ अपील नहीं करता है आउट के लिए, तो अंपायर भी हाथ उठा के सिग्नल नहीं देगा आउट। हमने क्रिकेट में बहुत बार देखा है, कुछ बैट्समैन बिना अंपायर का डिसीजन सुने क्रीज से पवेलियन की ओर चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो आउट हैं। उनमें से एक नाम है गॉड ऑफ क्रिकेट का और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने कई बार ऐसा किया है। उनके साथ फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने भी किया है और कई प्लेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने किया था, जस्ट टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ गेम। 3 मिनट रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग बैट्समैन को 3 मिनट का टाइम दिया जाता है पिच में आने के लिए। अगर वो नहीं आ पाया 3 मिनट के अंदर तो उसे रिटायर्ड हर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऑन दिसंबर 28, 1997 एट कटक, हेमूलाल यादव पहले बैट्समैन थे जो टाइम आउट किए गए थे। इस रूल को सबसे लास्ट में लिखा गया था इन द लॉ ऑफ क्रिकेट इन द लेट 1980s में। इस रूल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ अननेसेसरी डिले को रोकना है। ऑब्जेक्ट हिटिंग रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉल किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट से टकराता है जो ग्राउंड के अंदर है, जैसे रूफ ऑफ स्टेडियम या फिर स्पाइडर कैम, तब एम्पायर बॉल को डेड बॉल डिक्लेयर कर देता है। हैंडलिंग द बॉल, इस रूल में किसी भी बैट्समैन को अलाउ नहीं है कि बॉल को टच करे स्टंप पे लगने से रोकने के लिए। अगर कोई बैट्समैन अपने हाथ या बैट का यूज करता है बॉल को रोकने के लिए, तो उसे आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जॉर्ज बेनेट पहले प्लेयर थे जो बॉल हैंडलिंग सिचुएशन में आउट हुए थे इन द इंग्लिश कंट्री क्रिकेट इन 1872 में। पेनाल्टी ऑन हिटिंग द हेलमेट, अगर बॉल हेलमेट से टकराता है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो उस केस में अंपायर 5 पेनाल्टी रन दे सकता है बैटिंग साइड को। कभी कभी फेक फील्डिंग अटेम्प्ट या बैट्समैन को कन्फ्यूज करने के लिए भी पेनाल्टी रन दिया जाता है बैटिंग साइड को। क्रिकेट कैन बी प्लेड विदाउट बेल्स, जी हाँ, आपने सही सुना, हम लोग क्रिकेट को बिना बेल्स का भी खेल सकते हैं। अगर बॉल स्टंप पे लगता है और बेल्स नहीं गिरता, तो बैट्समैन का आउट नहीं कहा जा सकता। एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जब बिना बेल्स का क्रिकेट खेला गया, और ये लॉ ऑफ क्रिकेट में वैलिड भी है। ऑन June 9, 2017 में जब अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच मैच खेला गया, उस समय हवा का बहाव बहुत तेज था और बेल्स को स्टंप पे रखना इम्पॉसिबल हो गया था, तो अंपायर ने डिसाइड किया कि बिना बेल्स का मैच खेला जाए।